जनरल एस एस सी 2023 में पूछे गए क्वेश्चन को देखिए, हमारा फोर शिफ्ट का ये हमारा क्वेश्चन होने वाला है। ठीक, देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ वोमेन, मतलब महिलाओं की जो संख्या है वर्किंग आउटसाइड, जो कि बाहर काम कर रही हैं, होम मतलब घर से निकलकर, हैज़ बीन, वो लगातार क्या हो रही हैज़ बीन स्टेडली लगातार इंक्रीजिंग, मतलब उनकी संख्या बढ़ती है। इसको मतलब कि जो हमारे देश में जो घर के बाहर काम करने महिलाओं की, जो काम करने वाली महिलाओं की जो संख्या है वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। ठीक, अब इसमें अंडरलाइन जो पोर्शन किया गया है इसमें हमें देखना है क्या ये अंडरलाइन पोर्शन क्या है, राइट है या रॉन्ग है। अगर राइट है तो कोई बात नहीं, तब नो इंप्रूवमेंट का ऑप्शन हो जाएगा। अगर रॉन्ग है तो उसका राइट ऑप्शन क्या होगा, जो कि दिए गए नीचे ऑप्शन है। ठीक, अब इसमें थोड़ा समय ध्यान पड़ेगा। देखिए यहां एक वर्ड आया है, याद रखिएगा, स्टेडली। आपको यह याद रखना है कि स्टेडी जो होता है ना, ये क्या है, ये एक एडजेक्टिव होता है, और इसी स्टेडली अगर इसी को कर दें तो ये एक होता हो जाता है, एडवर्ब हो जाता है। ठीक, अब एक चीज़ याद रखिए, देखिए यहाँ लास्ट में आया क्या है, स्टेडी के बाद क्वेश्चन में यहाँ आया है इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग यहाँ पे क्या है, इंक्रीजिंग है यहाँ पे एक वर्ब, ये क्या है, यहाँ पे एक वर्ब है, और हमें पता है वर्ब की जो विशेषता बताता है वो कौन होता है, एडवर्ब होता है, एडजेक्टिव नहीं होता। अगर नाउन के पहले लगाना है तो एडजेक्टिव लगाइए, और वर्ब के पहले लगाना है तो एडवर्ब लगाएंगे। ठीक, लेकिन हमें पता है स्टडी जो है ये तो क्या है, ये एक है एडजेक्टिव। अगर ये है एडजेक्टिव तो हमें पता है कि वर्ब पहले एडजेक्टिव नहीं लगता बल्कि क्या लगता है, एडवर्ब लगता है। इसलिए स्टडी क्या कर देंगे, यहाँ पे रिजेक्ट कर देंगे, बल्कि यहाँ होना चाहिए था स्टडली। और स्टडली देखेंगे ऑप्शन में कहाँ आया है, और देखिए आया हैज़ बीन स्टडली आया है, देखिए ऑप्शन नंबर ए में आ गया है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखेंगे ऑप्शन नंबर बी क्यों रॉन्ग है, कि देखिए हैड बीन यहाँ आ गया, और हैड बीन के साथ यहाँ क्या गया, स्टेडियर आ गया। स्टेडियर याद रखिए इसका कंपेरेटिव डिग्री है, और कंपेरेटिव तब लगाते हैं जब किसी से कंपैरिजन किया जाता है, यहां किसी से कोई तुलना तो की नहीं गई, इसलिए स्टेडियर भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन रिजेक्ट हो जाएगा। नो इंप्रूवमेंट में जाएगा, नहीं कि उसमें एरर है, और इसमें आगे हैव बीन तो हम हैव बीन इसलिए नहीं लगा पाएंगे। द नंबर याद रखिएगा, एक चीज और याद रखिएगा यहां पे, कि यहां जो वर्ड आया है ऑफ के पहले, अगर एक आता है अ नंबर और एक होता है द नंबर, तो द नंबर को सिंगुलर माना जाता है और अ नंबर को प्लूरल माना जाता है, ये याद रखिएगा। तो आपको ये भी पॉइंट याद रखना है, हमें देखना है सेंटेंस में आया है द नंबर ऑफ आया है या फिर अ नंबर ऑफ आया है। ठीक, ये दो पॉइंट याद रखिए कि देखने में दोनों सिमिलर लग रहे हैं। अ नंबर ऑफ से अगर सेंटेंस शुरू होता है तो अ नंबर को प्लूरल माना जाता है, इसलिए आगे की वर्ब जो आती है वो भी क्या आती है, प्लूरल आती है। लेकिन द नंबर जो होता है इसको सिंगुलर माना जाता है, इसलिए आगे की जो वर्ब आती है वो क्या आती है, वो भी क्या आती है, सिंगुलर आती है। ठीक, और चूंकि सेंटेंस देखिए द नंबर से शुरू हुआ इसलिए हैव ना लगा पाएंगे, अगर अ नंबर आया होता तो हम हैव लगा देते, तो मे बी आपको अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा।